विधानसभा चुनावों को लेकर प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार लगातार मजबूत होता जा रहा है और इसी कड़ी में पृथला विधानसभा क्षेत्र के गांव सहराला में पहुंची हूं और पंचायती उम्मीदवार निर्दलीय उम्मीदवार नैनपाल रावत यहां पर मौजूद है। यहां पर नैनपाल जी, आप लगातार जो है चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है आपके चुनाव प्रचार का तापमान भी वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। आज तमाम सरदारी, तमाम बुजुर्ग यहाँ इतनी गर्मी में मौजूद है, क्या कहेंगे इनके स्नेह और समर्थन के लिए? देखिए, 36 बरादरी का स्नेह और समर्थन मुझे पूरी भारी तादाद में मिल रहा है और यहाँ तक की गर्मी का रिकॉर्ड बना हुआ है। भारी उमस के बावजूद लोगों का जो जुनून है वो बढ़ता जा रहा है, लोगों का जो काफिला वो बढ़ता जा रहा है और आज 104 गांव के सरदारी गांव गांव घूमकर हमारे साथ वोट मांग रही हैं। और गांव में भी आपने देखा होगा, ट्रैक्टरों के माध्यम से, आपने डीजे के माध्यम से, घोड़ियों के माध्यम से हमें गांव की सीमा से ही पहले लगभग 2 किलोमीटर दूर से लेकर के आते हैं और पूरे मजबूती के साथ हमारे साथ लोग चुनाव लड़ रहे हैं। नैनपाल जी, पहले पीएम मोदी की रैली पलवल में रखी जा रही थी लेकिन उसके बाद गतपुरी रख दिया गया ताकि लाभ पृथला में भी मिल सके, किस नजरिए से देखते हैं कि स्थान क्यों बदल दिया गया? बेटा हमारी सुन बात, मोदी का चाहे मोदी को कोई भी आ जाओ, नैनपाल रावत की नहीं बदली जाएगी कोई भी बात। मोदी इनने जो है ना, इनके पिछली चक्कर नहीं लगी, जो इनने टिकट काटी अब क्या फिर टिकट काटी, अब क्या इनके धौरे कर भी नहीं निकलन देंगे हम, और निकलन देंगे तो लिखित रूप में लेंगे। तो बाबू जी, मोदी भी आए रैली में और उसी वक्त नैनपाल की भी रैली हुई तो पब्लिक कहाँ बट नहीं जाएगी? मोदी की में नहीं जाएंगे, रैली में जाएंगे तो नैनपाल की में जाएंगे। ऐसा इसके अखलाक बढ़िया, इसके जात बात का कोई वे नहीं, कैसोई भी कोई, और इसके अंदर घमंड नहीं देखा हमने 5 साल में। ये हमने धमका के भी लिया तो जब भी इसके अंदर घमंड नहीं देखा। इसके अंदर बहुत खूबी है, किसी के अंदर नहीं है जो इसके अंदर खूबी है। बेटा इससे किसी ने चाहे गाली दे ली, चाहे ब्रो बोल लियो, एक MLA थे कोई बोल के तो दिखाओ और फिर अगलो जो पामन नहीं पकड़े हो, इससे बढ़िया और कौन MLA होगा? नैनपाल जी, ये लोग तो कह रहे हैं मोदी मैजिक नहीं चलेगा, आप कैसे चलेगा ऐसा है जी? मोदी तो अकेले आ रहे हैं, हमारे तो 104 गांव मोदी हैं। मोदी को जवाब तो हमारी जनता देगी, जो हमारे नैनपाल भाई के साथ धोखा किया, हर बार धोखे में धोखा, बीजेपी की टिकट का झांसा देते रहे। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी नैनपाल जी की देन है जो आज जीते हुए हैं, पर हमारे भाई को धोखा दिया। हमारा भाई नैनपाल नेता नहीं है, किसान का बेटा है और हम किसान हैं। हमारी एक एक वोट कैंची पर जाएगी और नैनपाल भाई को कामयाब बनाएंगे 5 तारीख को। और मोदी की रैली में नहीं जाएंगे, 104 गांव चंदावली अपने भाई नैनपाल के कंधे से कंधे रैली करेंगे और बीजेपी को नीचा दिखाएंगे जो धोखा दिया। 104 गांवों की दिल की धड़कन है, आंखों के तारे हैं, इन्होंने काम किया है तो ये जो है ना जनता को इतने प्यारे हैं, इतने दुलारे हैं कि इनको जनता नहीं छोड़ सकती किसी कीमत में भी। अगर कोई भी आ जाए, अमित शाह जी आ जाए और कोई आ जाए, पर नैनपाल जी को जनता कभी नहीं दुदकार सकती, कभी नहीं कुछ। ये आंखों के तारे हैं 104 गांवों के, दिल के गहराई से इज्जत करते हैं जनता इनकी जी। हाँ जी, तो इस नैनपाल जी एक अपील 5 अक्टूबर को लेकर, और लोग इतना स्नेह दे रहे हैं कि मोदी कह रहे हैं आ जाएं लेकिन नैनपाल दिल में बसता है, क्या कहेंगे ये बुजुर्ग जो है इतनी गर्मी में आपके साथ लगे हुए हैं लेकिन जोश बिल्कुल कम नहीं हो रहा है? देखिए, मैंने अपने क्षेत्र की जनता को परमात्मा का रूप मानकर सेवा की है, कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने अपने जनता जनार्दन से कभी छुपाई हो। और जैसा भी मैं उनके सामने बिल्कुल ओपन माइंड रहता हूँ, जो चीज़ है उनके खुलेआम है, जो उनमें कमी है अच्छाई है सब। और इसीलिए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई मैजिक, चाहे मोदी मैजिक है चाहे भाजपा मैजिक है, वो कुछ नहीं चलता। पिछली बार सबने आंखों से देखा, 16,000 की बड़ी लीड के साथ 104 गांव जिताए। आज ये इतनी गर्मी में सारा काम धाम छोड़कर, कोई इनको काम नहीं है, केवल इन्हें भारतीय जनता पार्टी से और दूसरी पार्टियों से बदला लेना है कि बार बार टिकट पैसे के लिए बेच दी जाती है। तो ये जनता में बड़ा रोष है और निश्चित तौर पर जनता 5 अक्टूबर को बंपर वोट भी करेगी और 8 अक्टूबर को रिजल्ट में जो ना जीत के रिजल्ट में बदलेगी। और मैं अपने क्षेत्र की जनता को केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ, देखिए ये चुनाव है, बहुत बहुत बड़े प्रेशर, जातिवाद के, रिश्तेदारी के,
हमारे लोगों पर डाले जा रहे हैं, लेकिन हमारे लोग बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। न्याय की इस लड़ाई में मेरे साथ खड़े हैं और मैं जनता जनार्दन से विनती करता हूं कि कैंची का निशान आप सब लोगों तक पहुंच गया है। कैंची के निशान जो 10वें नंबर पर है मशीन में, उस कैंची के निशान वाला सामना बटन दबाकर, निशान के सामने बटन दबाकर अपने भाई और बेटा को एक बार फिर से विधानसभा में भेजने का कष्ट करें और इन अन्यायियों को जिन्होंने अन्याय किया है उनको एक बार उनके मुंह पर तमाचा और मारा है। तो देखिए पृथला में निर्दलीय प्रत्याशी नैनपाल रावत न्याय मांग रहे हैं जनता से और कह रहे हैं, जीत का दावा कर रहे हैं। अब 5 अक्टूबर का दिन ये सुनिश्चित करेगा कि नैनपाल रावत को फिर सिर माथे बिठाया जाता है। और इन सबके बीच में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार पीएम मोदी की रैली जो प्रस्तावित है पृथला में और नैनपाल रावत की रैली भी प्रस्तावित है, तो ऐसे में जादू किसका चलता है, पृथला के लोग किस में विश्वास जताकर भीड़ का रिकॉर्ड तोड़ते हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ पंजाब से पूजा शर्मा, पंजाब के सिटी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।